मंडावली इलाके में स्थानीय नेता राहुल सिंह उर्फ भूरू की हत्या के विरोध में परिजनों ने पूर्वी दिल्ली डीसीपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। राहुल सिंह के परिजनों का कहना है कि राहुल सिंह पर 8 माह पहले भी जानलेवा हमला हुआ था, उस हमले में वो बच गए थे। पुलिस ने हमला में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस अगर हमला में शामिल सभी बदमाशों को पकड़ लेती तो शायद राहुल सिंह जिंदा होते। परिजनों का कहना है कि हत्या के 9 दिन हो जाने के बावजूद पुलिस एक भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। मेरे पति श्री राहुल सिंह को न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी बड़ी बुरी तरह से हत्या की गई है, बिल्कुल रोड पे मदर डेरी पर, और 8 दिन हो चुके हैं, 9 दिन हो चुके हैं। इसी तरह उन पे पहले हमला 8 महीने पहले हुआ था, हमने कंप्लेंट भी की थी, उन सब के नाम भी बताए हैं, उनमें से भी अभी आरोपी फरार हैं, उनको भी नहीं पकड़ा गया है। अगर पुलिस उन्हें पहले पकड़ लेती तो आज मेरे पति मेरे साथ होते। किसलिए आए इतनी पब्लिक के हाथ? हम भाई के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ अभी हमारा हो नहीं रहा, कोई अभी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, 8-10 दिन हो गए कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। क्या हुआ था, उनके डेथ क्या था? इंसिडेंट यही था कि उनको पहले धमकी आ रही, धमकी वाले फ़ोन आ रहे थे, उन्होंने 8 महीने पहले कंप्लेंट दी, उनके ऊपर गोली भी चली थी, उन्होंने उस कंप्लेंट में नाम भी ले रखे हैं और कंप्लेंट भी करी थी, उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें से भी 2 अरेस्ट हुए हैं, 2 फरार हैं पिछले केस में भी, उसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर कार्रवाई टाइट करती है, कोई कार्रवाई होती तो ये सब इंसिडेंट नहीं होते इस तरह। आपको बता दें कि 3 जून को सुबह बदमाशों ने राहुल सिंह की गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी थी जब वो DDA पार्क में मॉर्निंग वॉक पर गए थे।